ट्रुथ वर्ल्ड का एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। क्या आप अपने चहेते फिल्म स्टार, फिल्म अभिनेत्रियों और गायकों को सही ढंग से जानते हैं? शायद आपका यही जवाब होगा हाँ बिल्कुल। यह भी कोई पूछने वाली बात है, परंतु सच तो यह है कि हमारे बड़ी संख्या में फिल्म स्टार, फिल्म अभिनेत्रियां और गायकों के असल नाम कुछ और ही हैं। क्या आप जानना चाहेंगे? मुझे पता था कि आपके चेहरे पर एक भोली सी मुस्कान जरूर आ जाएगी। चलिए देर न करते हुए आपको आपके पसंदीदा फिल्म स्टार, फिल्म अभिनेत्रियों और गायकों के असल नामों से अवगत करवाते हैं। सबसे पहले चेहरे पर भोली सी मुस्कान वाले एक्टर, एक गायक और एक निर्माता के रूप में दर्शकों और श्रोताओं के दिलों पर राज करने वाले, एक्टिंग के दम पर फिल्म हरजीता में नेशनल अवार्ड हासिल करने वाले एमी विर्क की बंबू काट, अरदास, निक्का जैलदार, अंग्रेज, लौंग लाची, किस्मत, पुआड़ा, शेर बग्गा जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी अदाकारी से झंडे गाड़ने वाले नाभा के रहने वाले एमी विर्क का असल नाम है अमरिंदर पाल सिंह विर्क। जी हाँ, अमरिंदर पाल सिंह विर्क यानी एमी विर्क, यानी एमी विर्क। केवल फिल्मों में ही नहीं, गीतों में भी चंडीगढ़ दी कुड़ियाँ, बुलेट वर्सेस छमक छल्लो, जिंदाबाद यारियाँ, हाँ करेंगी, हासियाँ खेडियाँ, माँ, किस्मत, गल्लां तेरियाँ, पसंद जट दी, काला सूट, जान देंगे, तेरी फिकर जैसे गीतों ने एमी विर्क को गीतों की दुनिया में नई पहचान दिलाई। आज अमरिंदर सिंह विर्क का असल नाम एमी विर्क ही बन गया है। अब हम बात करेंगे बॉलीवुड ही नहीं, बॉलीवुड में भी अपनी गायकी और एक्टिंग के दम पर निदेशकों को अपना मुरीद बनाने वाले दिलजीत दोसांझ की। दिलजीत दोसांझ का असल नाम है दलजीत सिंह। जट एंड जूलियट, जट एंड जूलियट 2, पंजाब 1984, सरदार जी, सरदार जी 2, सुपर सिंह, सज्जन सिंह, रंगरूट, अंबरसरिया, छड़ा जोड़ी जैसी सुपरहिट पंजाबी फिल्मों के अभिनय करने वाले दलजीत दोसांझ को पंजाब 1984 फिल्म पर नेशनल अवार्ड भी मिला, जबकि उड़ता पंजाब पर फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुआ। 6 जनवरी 1984 को दलजीत का जन्म जालंधर के गांव दोसांझ कला में हुआ। बस फिर क्या था, गांव के नाम को अपने नाम के साथ जोड़कर एक गांव का गभरू दलजीत सिंह आज सबके चहेते दलजीत दोसांझ बन गए हैं। एक गायक, एक एक्टर और एक गीतकार के रूप में एक समान पहचान स्थापित करने वाले गैरी संधू का नाम तो सभी जानते हैं। मैं तेरे नाल व्याई होइयां गीत से गीतों की दुनिया में तहलका मचाने वाले गैरी संधू का जन्म 4 अप्रैल 1984 को जालंधर के गांव रुड़कां कला में हुआ। रोमियो रांझा, पुत जट्टां दे, दे दे प्यार दे, लाइयां वे यारियां, स्ट्रीट डांसर, 3D फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी करने वाले गैरी संधू का असल नाम है गुरमुख सिंह संधू। क्यों हो गए ना हैरान? जी हाँ, गुरमुख सिंह संधू यही है हमारे पसंदीदा गायक गैरी संधू। पतली पतंग, दो गलना, तोड़ गई दुनिया सारी, गुड लक, फितूर, टू मच, कमिंग होम जैसे सुपरहिट गीत आज भी श्रोताओं की पहली पसंद है। अब हम एक ऐसे कलाकार की बात करेंगे जिसकी शक्ल देखते ही मायूस से मायूस चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। जी हाँ, मेरा मतलब है नामवर कॉमेडियन गुरप्रीत घुग्गी। एक कलाकार और एक राजनीतिज्ञ गुरप्रीत घुग्गी का नाम, असल नाम गुरप्रीत सिंह वड़ैच है। कॉमेडी की फील्ड का स्थापित सितारा गुरप्रीत सिंह वड़ैच कब गुरप्रीत घुग्गी बन गया किसी को पता ही नहीं चला। एक समागम में एक जब बच्चे ने मासूमियत से पूछा, अंकल आपका क्या नाम है, तो उन्होंने कहा गुरप्रीत घुग्गी। तो बच्चे ने कहा फिर उड़ के ता विखा। गुरप्रीत सिंह वड़ैच ने कॉमेडी फील्ड में लगातार नया करने की सोच को अपनाते हुए अपने नाम के साथ तकल्लुस घुग्गी रख लिया। गुरप्रीत केवल कॉमेडी के बादशाह ही नहीं बल्कि अरदास फिल्म के मास्टर जी के नाम से सीरियस किरदार निभाकर लोगों के दिलों पर भी राज करते हैं।
पंजाबी गायकी में मिश्री जैसी मीठी आवाज़ के मालिक और खूबसूरत चेहरे वाले कलाकार जसदीप सिंह गिल को हर कोई जानता पहचानता है। क्या आप नहीं जानते? बड़ी हैरानी हुई। ओफो, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, सच है ना, जसदीप सिंह गिल को कौन जानेगा, क्योंकि ये उनका फेमस नाम तो है ही नहीं। चलो मैं इनके कुछ गीतों और फिल्मों के बारे में बताता हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन्हें पहचान जाएंगे। इनके सुपरहिट गीत लेंसर, बैचमेट, क्लासमेट, प्यार मेरा, नखरे, एक साल, लादेन, गबरू, जबकि फिल्मों में मिस्टर एंड मिसेस 420, दिल विल प्यार व्यार, मुंडिया तो बच के रही प्रमुख हैं। जी हाँ, अब आपने सही पहचाना, यह है हम सभी के चहेते मीठी आवाज़ वाले जस्सी गिल, जसदीप गिल, यानी कि फेमस नाम जस्सी गिल। गालों में डिंपल, सोनी जी मटियार, मेरा भाव, पंजाबी फिल्मों में राज करने वाली खूबसूरत अभिनेत्री, कनाडा के वैनकूवर में जन्मी पली इस अभिनेत्री को पहली बार बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता निर्देशक देवानंद ने अपनी फिल्म में 16 बरस की फिल्म में अभिनय करने का मौका दिया। इसके बाद टीवी पर प्रसारित होने वाले CID, अस्तित्व, एक प्रेम कहानी, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची में अभिनय कर अपनी स्थापित पहचान करने वाली इस अभिनेत्री ने पहली बार साड्डी लव स्टोरी में जिमी शेरगिल, दिलजीत दोसांझ, अमरिंदर गिल, सुरवीन चावला के साथ अभिनय किया। बस इसके बाद जट एंड जूलियट, नॉटी जट, सरगी, जाने न जाने कितनी सुपरहिट फिल्मों में अभिनय कर दर्शकों की तालियां बटोरी। जी हाँ, नीरू बाजवा का असल नाम है अर्शवीर बाजवा, नीरू बाजवा तो उनका फिल्मी नाम है। अब हम एक ऐसे फिल्मी कलाकार की बात करते हैं जिनकी रोबदार आवाज़ के चलते या उनका नाम फिल्म की स्टार कास्ट में आते ही पंजाबी फिल्म हिट हो जाती है। हरपाल टिवाना निर्देशित लौंग दा लिश्कारा से अपना कैरियर शुरू करने वाले परमजीत सिंह सोही, यानी के सरदार सोही। परमजीत सोही को फिल्मों का सरदार ही कहा जाता है, यानी कि सरदार सोही। बागी, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, अरदास, वारिस, मिट्टी, हानी, अंग्रेज, बंबूकाट, निक्का जैलदार, सूबेदार जोगिंदर सिंह, सिंघम जैसी ना जाने कितनी और हिट फिल्में देने वाले परमजीत सोही को अब उनके चाहने वाले केवल सरदार सोही के नाम से ही जानते हैं। उनका असल नाम आज केवल दस्तावेजों की ही शोभा बना हुआ है। अब हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जो अंबाला में एक सिख परिवार में जन्मी। प्यारी सी मुस्कान वाली, सीधी सी दिखाई देने वाली इस लड़की ने पहली बार बंबू काट में अभिनय किया, जो फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म में उन्हें शानदार अभिनय करने पर फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अमरिंदर गिल के साथ सरवन, रब दा रेडियो, गोलक बुगनी, बैंक ते बटुआ, दाना पानी, रब दा रेडियो 2, मंजे बिस्तरे 2, चाल मेरा पुत 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों में अभिनय कर दर्शकों को अपनी एक्टिंग का मुरीद बना दिया। अब तो आप पहचान ही गए होंगे मैं किस अभिनेत्री की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मेरा मतलब है सिमी चहल। परंतु असल बात तो मैं बताना भूल गया, सिमी चहल का असल नाम है सिमरनप्रीत कौर चहल। फिल्म के सुनहरी पर्दे पर वह सिमी चहल के नाम से जानी जाती है। अब हम आखिर में आपको गुरदासपुर में जन्मे मधुर आवाज के मालिक एक गायक, एक अभिनेता से मिलवाने जा रहे हैं। जट दी अकल नामक गीत से पहली बार चर्चा में आए इस गायक की पहचान मिट्टी दा बाबा से हुई। यह गीत श्रोताओं के सिर पर जादू कर गया, हर तरफ इस गायक की बातें होने लगी। मुझे पता था कि आप इस गायक को तुरंत पहचान लेंगे। जी हाँ, ये गायक है रंजीत सिंह बाजवा। ओहो, मेरा मतलब रंजीत बाबा से है। रंजीत बाबा का असल नाम रंजीत सिंह बाजवा ही है, जो अब रंजीत बाबा के नाम से मकबूल हैं। रंजीत बाबा की पहचान बंदूक, सरदार, जट दा डर,
यारी चंडीगढ़ वालिए, एक तारा वाला, लाहौर मेरा की कसूर गीतों से है। रंजीत बावा, असल नाम रंजीत सिंह बाजवा की, सरवन, वेख बराता चलियां, भलवान सिंह, हाई एंड यारियां, तारा मीरा नामक फिल्मों में भी अभिनय से खास पहचान बनी हुई है। कैसी रही जानकारी? इस तरह की रोमांचक जानकारियां ट्रुथ वर्ल्ड निरंतर आपके समक्ष लाता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर बजाएं ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहें। हमारी सभी जानकारियां हमारे सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। जल्द मिलेंगे।